हेलो दोस्तों, आज हैं हम अपने लखनऊ टू फैज़ाबाद हाईवे पे। ये रास्ते के कुछ अच्छे नज़ारे। भाई बाइक चलाते हुए अब हो गए हैं करीब 2-2.5 घंटे। अब टोल प्लाज़ा के उस तरफ ढाबे पर चाय नाश्ता करते हैं। चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर कुछ खाएंगे और चाय पियेंगे, इसके बाद हम फिर कंटिन्यू आगे चलेंगे। भाई ये आ गई है अपनी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी। यहाँ नाश्ता करने के बाद हम फिर कंटिन्यू चलेंगे। अभी हमें कम से कम 1.5 घंटा और चलना पड़ेगा अपने गांव तक पहुँचने के लिए। चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में रोड का काम भी स्टार्ट हो गया है, रोड जो है अब चौड़ी हो रही है। दोस्तों ये है लखनऊ टू अम्बेडकर नगर हाईवे, जो कि बीच में अभी बन रहा अपने है गांव में। ये पहले हम लोगों का हुआ करता था, यहाँ मैच का मैदान हुआ करता था। ये हम लोगों का पहले मैच का मैदान हुआ करता था, यहाँ हम लोग मैच खेलते थे अपने अर्ली डेज में। ये सब इधर हम लोग के खेत खलिहान। भाई हम लोग आ गए हैं अपने झील की, जिले की सबसे बड़ी झील है करवन झील। ये बहुत दूर तक है। उस पार जाने का तो रास्ता नहीं है, बीच में यहाँ पानी है। कैमरा पलट के बहुत बड़ी झील है, मैप पे भी आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी। ये झील बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। झील में जलकुंभी ज़्यादा हो जाने से इसका पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है। भाई ये है अपना खेत, गन्ने की कटाई का काम चल रहा है। अब खेत घूम चुके, चलते हैं घर की तरफ। ये यहाँ पीछे भी एक छोटा सा ताल है। ताल क्या, बेसिकली एक गड्ढा है। यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं। दोस्तों ये है हमारे गांव का जंगल, जो कि पहले बहुत ही डेंस हुआ करता था, लेकिन अब इसमें पेड़ की कटाई की वजह से अब ये इतना डेंस नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। चलते हैं, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और आगे
आगे से एक बार फिर से झील को दूसरी तरफ से देखते हैं। आगे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और कैप्चर करने वाला था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नेचर की ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।